हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ IRCTC स्टॉक के बारे में। काफ़ी बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है, विद वॉल्यूम्स आती हुई दिख रही है, और मार्केट के स्टार्टिंग से ये स्टॉक कहीं ना कहीं आज नेगेटिव हो गया था। स्टार्टिंग में जहाँ पे खुला समझ लीजिए, उसके बाद स्टॉक ने मुड़ के नहीं देखा है और कंटिन्यू फॉल आया है। 30-40 पॉइंट इनफैक्ट ऊपर खुला था स्टार्टिंग में 1.5%, और उसके बाद जो गिरावट आई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये गिरावट कहां तक जा सकती है, और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स का इस शेयर में इंटरेस्ट देखने को मिला कुछ दिनों में, क्योंकि इस शेयर में काफ़ी शानदार रैली भी आई है। ऐसे में अगर आपकी पोजीशन भी ऊपर के लेवल में फंस गई है तो आपके लिए क्या होगी मेरी राय, निकल जाना चाहिए या वेट करें दोबारा से ऊपर के लेवल आएंगे। साथ ही साथ स्टॉक में आज डिविडेंड की एक्स डेट भी है, ₹5 डिविडेंड जो है आज उसका एक्स डेट भी है। तो ओवरऑल बात करने वाले हैं IRCTC स्टॉक के बारे में। क्या दूसरी तरफ से देखा जाए तो 4000 का हाई लगाने के बाद अब स्टॉक आपको 3600 के पास मिल रहा है, तो क्या ये बेस्ट लेवल्स है बाइंग के लिए, इन सब पे बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम ID पंडित ब्रदर्स पे आ गया, मुझसे बात कर सकते हैं। गाइस देखिए, स्टॉक के बारे में बात करें तो आज 3% के करीब डाउन है, 3550 का लो लग चुका है इस स्टॉक में, 3600 के करीब ट्रेड कर रहा है। और ये गिरावट तो बीच बीच में एक दो बार और हुई है, बट बिल्कुल विदाउट वॉल्यूम हुई थी, लेकिन तेजी विद वॉल्यूम है, गिरावट विदाउट वॉल्यूम थी। लेकिन आज के दिन जो है अर्ली आवर्स में शेयर में गिरावट 3% है, और वॉल्यूम्स भी देखिए डेली बेस के एवरेज वॉल्यूम जो है वो ब्रेक कर दिए स्टॉक ने, उन्हें उनके पार निकल गया है। एवरेज वॉल्यूम 2.8 मिलियन के हैं, जिसके सामने शेयर अभी तक 2.666 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड हो चुके हैं, और अभी 10:30 बज रहे हैं, यानी कि मार्केट खुले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1.5 घंटा मान के चलिए, बस 1.5 घंटा 1.25 घंटा हुआ है अभी, और देख सकते हैं वॉल्यूम्स बराबर हो गए, 3% की गिरावट है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है स्टॉक में तो देखिए स्टॉक बहुत ही शानदार है, स्टॉक में दोबारा ऊपर के लेवल्स भी आएंगे, बट अब ये आपका चेक करेगा पेशेंस, धैर्य, लंबे समय के लिए नहीं, कितनी आप रिस्क ले सकते हैं, कितना नीचे तक देख सकते हैं स्टॉक को। देखिए सबसे पहला सपोर्ट निकलेगा 3500 में, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्टॉक देखिए कंटिन्यू रैली आई जो वो 3200 एंड 3300 तक ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन उसने सस्टेन करा, वहाँ पे फिर दोबारा रैली आई और उस रैली में स्टॉक कहीं ना कहीं 3500 के पास था। तो अभी 3500 अगर स्टॉक नीचे के लेवल में ब्रेक करता है तो आपको 3300 तक शेयर दिख जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास पोजीशन है तो शेयर नीचे तक कहाँ तक आ सकता है, पहला 3500 का सपोर्ट है वो ब्रेक होता है तो 3300 या 3250 तक भी आ सकता है। अब बात करते हैं कि ऐसे में करना क्या चाहिए, प्रॉफिट बुक या लॉस में निकल जाना चाहिए, दोबारा से एंटर करना चाहिए डिप में, या फिर छोड़ देना चाहिए, पड़ा रहने दीजिए। तो देखिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वहां तक अगर आएगा तो आप अपने आप को कंट्रोल करके होल्ड कर पाएंगे, अगर हाँ कर सकते हो तो जरूर होल्ड करिए। मुझे लगता है शेयर मीडियम टर्म में दोबारा से ऊपर के लेवल दिखाएगा, और ऊपर में 4000 के लेवल जो इसका हाई है वो कहीं ना कहीं ब्रेक करता हुआ दिख सकता है आपको, ठीक है। तो बस कहने वाली बात है, अगर गिरावट आती है तो आप इग्नोर करिए और पोजीशन में बने रहिए, और थोड़ा सा पेशेंसली होल्ड करिए स्टॉक को। साथ ही साथ बात करते हैं हम कि अगर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो क्या ये बेस्ट लेवल है। तो देखिए मैं इस बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए कैश स्ट्रेटजी, वैसे ही अगर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो काफी बढ़िया लगने लगा है। इन स्तरों पे नहीं, 3500 अगर ब्रेक करके 3332 पे मिल जाए तो बहुत ही अच्छे लेवल हो जाएंगे वो बाय करने के लिए। देखिए स्टॉक में काफी तेज और काफी शार्प तेजी आई थी, स्टॉक का PE 200 के पार चला गया था, जिसके बाद एक थोड़ी बहुत करेक्शन आना बनता था, और स्टॉक अभी जो है FNO के बैन में भी है, जिसके बाद ठंडा होता हुआ भी दिख रहा है। तो अगर ये 33 पे आपको मिले तो वो तो बेस्ट हो जाएगा बाय के लिए, अदरवाइज आप 3500 के SL के साथ थोड़ी बहुत क्वांटिटी बाय करिए, डिप में ले और बाय करिए। ओवरऑल आपके लिए शेयर में ऊपर के टारगेट्स आ सकते हैं काफी ज्यादा, स्प्लिट का ऐलान है, आप सभी को पता है एक शेयर 5 शेयर में बदल जाएगा, डेट अभी आई नहीं है, आ जाएगी। आपको ये बात भी मैं बता दूं, अगर आप आज बाय करते हैं तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन आपने 3 दिन पहले बाय कर रखा होगा तो आज आपका ₹5 का जो एक्स डिविडेंड है वो डिविडेंड आपके अकाउंट में आता हुआ दिखेगा अगले 15 से 20 दिनों में। तो ये ओवरऑल वीडियो पॉजिटिव व्यू आइडिया IRCTC के स्टॉक पे, आप पोजीशन में बने रह सकते हैं, बस थोड़ा सा नियर टर्म में आपको 1-2 दिन में नीचे के लेवल दिखा सकता है, जिस हिसाब से नीचे आएगा उस हिसाब से ऊपर भी आ सकता है। आप सभी को पता है स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेजी बन जाती है और एक ही दिन में पूरा रिकवर हो सकता है। ये वीडियो IRCTC स्टॉक पे और जितनी भी बातें बोली ये मेरा पर्सनल व्यू था, अगर आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।